We want justice. We want justice. We want justice. Hamari mange puri karo. 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 Stand up to contractual justice. Stand up to contractual justice. Stand up to contractual justice. शर्मा दिन है लगातार मैंने कितनी बार हम लोग भी आकर बात कर चुके हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर आप लोगों की कुछ क्या डिमांड को लेके या अपनी मांगों को लेके प्रोटेस्ट पर बैठता है तो वो ऑफिस में नहीं घूमते हैं जब उनकी जायज डिमांड को कोई सुनता है तो खुद उनसे मिलते हैं लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें खुद जाके ऑफिस में जाना पड़ता है लेकिन हमारे पास यहाँ मिलने के लिए कोई नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन से तो कोई नहीं आया हाँ ये है कि जब हमारे जो एक्स जो गवर्नर थे उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दी उनसे हम दो तीन बार मिले उन्होंने हमारी डिमांड को कहा कि क्वाइट जनरल है हम इसको जरूर हल कराएंगे और आपकी रेगुलराइजेशन जो है वो हो जाएगी तो हम इसी के ऊपर टिके रहे कि हो जाएगी लेकिन बीच में जो स्टेट के हालात रहे उसकी वजह से जो है वो डिस्टर्बेंस आ गई और हमारा इशू वही का वही रह गया लेकिन हमारी फाइल जो है वो प्रोसेस में है सारा डाटा वगैरह कलेक्ट हो चुका है तो मीडिया के माध्यम से मैं जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनसे यही कहूंगी कि सर आप खुद एक एडमिनिस्ट्रेटिव रहे हुए हैं और हम लोग जो है पढ़े लिखे बच्चे हैं हमने 10-10 साल में अपने डिपार्टमेंट को दिए हैं तो प्लीज हमारा जो इशू है उसको जल्दी से सॉल्व कर दीजिए बिल्कुल 1017 दिन यानी कि 1017 डेज हो गए हैं लगातार यहाँ प्रदर्शन करते हुए इसी टेंट के अंदर ये लगातार प्रदर्शन करते आए हैं और ये सभी कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं 10+2 काफी देर से प्रदर्शन कर रहे हैं जीसी मुर्मू जी ने अभी कार्यभार संभाला है कम से कम देखना चाहिए और इनकी जितना हो सके हेल्प करनी चाहिए इनकी लगातार मांग लगातार अपील इसी तरह से जारी है देखते रहे जेके मीडिया जय हिंद